Assalamualaikum everyone, welcome back to my happy place. Thank you so much for joining me. आज मैं आपको एज अ होम मेकर इनक्रेज करूँगी और आज का मेरा टॉपिक है होम मेकिंग के ऊपर, हाउ टू फाइंड जॉय इन होम मेकिंग. होम इज अ प्लेस वेयर एवरी वन लिव हैप्पीली विद रिस्पेक्ट विद केयर विद लव एंड पीस. तो घर वो जगह होती है जहाँ पर इंसान अपना सुकून तलाश करता है और घर को सुकून और आराम की जगह बनाने के लिए हम होम मेकर्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. द पर्पस ऑफ होम मेकिंग इज टू क्रिएट अ वेलकमिंग लविंग एनवायरनमेंट फॉर योर फैमिली. तो जब भी आपके बच्चे आपके शौहर घर आकर सुकून महसूस करते हैं, हैप्पी प्लेस और वेलकमिंग फीलिंग महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव अचीव द गोल ऑफ परफेक्ट होम मेकर. घर के बहुत सारे काम हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, तो क्यों ना उन तमाम कामों को जॉयफुली खुश होकर परफॉर्म किया जाए. और जब पता है कि वी हैव टू डू दिस टास्क ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट एनी रिवॉर्ड विदाउट एनीथिंग, सो व्हाई नॉट डू इट फॉर योर फुलफिलमेंट ऑफ योर हार्ट. अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने प्यारों को खुश करने के लिए यही काम अगर हम खुश होकर अंजाम दें तो क्यों ना हमारा घर एक जन्नत बन जाए. I truly believe that homemaking is an act of love, it's an act of kindness for your family and also an act of service that you do for others without any reward in return, without anything in return. Allah Ta'ala to dekh rahe hai na, Allah Ta'ala aapke har amal, har act se waqif hai, wo apne bandon ko हर जगह मौजूद हैं, अपने बंदों को देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं. तो जब आप अपने घर वालों के लिए बड़े खुशी दिल के साथ कोई भी काम करती हैं, अपने घर को संवारती हैं, मैनेज करती हैं, अपने बच्चों के छोटे छोटे काम करती हैं, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला की नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊपर होता है. अल्लाह ताला आपके एक एक काम के बदले आपको बहुत ज़्यादा नेकियाँ नवाजते हैं. तो इसका जो इनाम है ना, वो आपको आखिरत में तो मिलना ही है. तो दुनिया में तो इसका मिलेगा ही आपको एक रिस्पेक्ट की सूरत में, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में भी आपकी बहुत ज़्यादा एक मुकाम होगा, एक हैसियत होगी. तो अगर आप अपने आप को इनक्रेज करना चाहते हैं ना कि एज़ अ होम मेकर वी हैव टू डू सो मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हमारे मल्टी टास्किंग है, आप जस्ट ये सोचें कि मेरे एक एक काम करने के बदले मुझे कितनी नेकियाँ मिल रही हैं, मुझे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज रहे हैं. मैं अपने आप को हमेशा इनक्रेज करने के लिए इस तरह से ही सोचती हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने YouTube फैमिली के साथ अपनी थॉट्स शेयर करूँ कि एज अ हाउसवाइफ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, बट स्टिल हाउ यू मेक दीज थिंग्स जॉयफुल इज़ एन एक्ट ऑफ लव काइंडनेस टूवर्ड योर फैमिली. आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे चेंज कर लें, अपना नैरेटिव चेंज कर लें. आप सोचें कि मुझे ये काम अपनी फैमिली को खुश करने के लिए करना है, और आपको वो जब वो खुश होते हैं तो डेफिनेटली आप भी खुश होती हैं. एज अ मदर जब आपके बच्चे खाना खाते हैं आपके हाथ का बना हुआ, तो आपको कितनी तस्कीन मिलती है. आपके हस्बैंड जब आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको मुस्कुरा के देखते हैं, तो आपको कितनी खुशी मिलती है. आपका एक गोल अचीव हो जाता है कि नाउ आई हैव बिकम अ परफेक्ट हाउस वाइफ. और जीना इसी का नाम होता है. जब इंसान दूसरों के लिए जीता है, और अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी होती है. तो बस खुश होके खुशी के साथ दूसरों के लिए खिदमत किया करें. आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने अगर आपके सास ससुर हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें. वो आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, उनको आप अपने पेरेंट्स की तरह से ट्रीट करें. तो जिस तरह आप अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह उनकी भी करें. और
ज़रूरी नहीं है कि एक वो अलग से एक माइंडसेट बनाया जाए कि जी आपके पेरेंट्स ही पेरेंट्स होते हैं। नहीं, आपके हस्बैंड भी तो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी आप पे जायज़ है। आप उनकी खिदमत करें, आप अपने पेरेंट्स की भी खिदमत करें और दूसरों को भी इनक्रेज करें। अपने अपनी जो गुड हैबिट्स और अच्छी आदत हैं उनसे आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि एक और चीज़ एज अ होम मेकर आपको बहुत फ़ायदा देती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको परफेक्ट टाइम पर हर काम करने की आदत है और हर चीज़ की आप एक लिस्ट रेडी रखते हैं, आपको पता होता है कि आपको कब क्लीनिंग करनी है, कब डीक्लटर करना है, कौन सा डे आपने किस काम के लिए रखा हुआ है, आप एक लिस्ट रेडी रखते हैं ना, तो आपके जितने भी टास्क हैं, जितने भी काम हैं, वो बहुत परफेक्ट वे में जो है ना वो कंप्लीट होते हैं और आप कभी भी हेडेक नहीं बनाएंगे इसको। तो आप कोशिश करें कि आप ना जितने भी आपके टास्क हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उसको उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने की कोशिश करें। स्टार्ट में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन नामुमकिन ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। आपने अगर एक दिन क्लीनिंग के लिए रखा है, दूसरा डीक्लटर के लिए रखा है, किसी दिन आप कबर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कर लें, किसी दिन आप बच्चों को साथ में अपने, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी हेल्प लें, उन्हें भी आप इनक्रेज करें और आप सारे काम मतलब मैनेज करें। ऐसा नहीं कि आपको पता ही ना हो कि आपने एक कौन सा काम कब करना है। तो इस तरह से ना आप कभी भी, आपके काम भी पूरे नहीं होते और आप मेंटली डिस्टर्ब ही रहते हैं कि अब आपको ये सब कुछ करना है। तो जब आपको पता होगा कि आपने हर दिन हर टास्क को मैनेज किया होगा, आपको पता होगा कि आपने कौन सा काम किस डे पे परफॉर्म करना है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली भी रेडी ही रखते हैं। तो इस तरह आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं होता और आप बिल्कुल इजीली सारे टास्क जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक परफेक्ट होम मेकर जो होती है ना, वो उसमें एक और क्वालिटी होती है, दैट इज़ कि वो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करती। कभी भी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना। अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में भी रखा है, जो दिया है उसमें आपने खुश रहना है। कम हो या ज़्यादा हो, आपने हर लम्हा हर हाल में अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और ये बात मेरी मदर मुझे हमेशा कहती हैं, वो कहती हैं कि हर हाल में आपने बस अल्लाह ताला को का शुक्रगुजार बंदा बनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले जो होते हैं ना, उनका घर कभी खाली नहीं होता। अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत देते हैं, उनको और ज़्यादा नवाजते हैं। तो बस शुक्र अदा करना सीखें। आपका घर छोटा है बड़ा है, बस से अल्हम्दुलिल्लाह एंड बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली। नेक्स्ट, आप लोगों ने जब भी अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को आपने वेलकम करना है, जब भी वो घर में एंटर हों, हस्बैंड काम से आए या बच्चे स्कूल से आए, आपने हमेशा मुस्कुरा के उनको वेलकम करना है, अच्छे तरीके से सलाम लेना है। इस तरीके से घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग ये नहीं करते तो आप लोग आज से ही करना स्टार्ट कर दें। यकीन करें, जब घर वालों को घर दाखिल हो के एक मुस्कुराते हुआ चेहरा नज़र आता है, यहाँ उन्हें मुस्कुरा के मिलते हैं, तो उन्हें घर होने का एहसास होता है। और बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो एक मेमोरी हमारी लेकर जाएंगे ना अपने साथ, वो यही लेके जाएंगे कि हमारी मामा हमें इस तरह मुस्कुरा के मिलते थे। तो क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, जब ये बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे, तो कुछ ये ऐसी मेमोरीज ज़रूर क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए एज अ होम मेकर, के वो हमेशा याद रखें। और उसमें एक और चीज़ आती है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाएं अपने हस्बैंड के लिए। और ये मैंने बनाए हैं चाइनीज़ पकौड़े, और इतनी आपके साथ सीरियस बातें की हैं, तो जनाब अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की ना, तो अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इंशाल्लाह ताला।
और आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं, कुकिंग सीखें और खुश होके बनाएं। और मैं कहती हूँ कि वो जो हकीकत है कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये बात सच है, जो अगर आप अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी तो आपकी फैमिली आपसे हमेशा खुश रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपके घर का माहौल और आपका लोगों से जो मिलना जुलना है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा। आप लोग लोगों से पॉजिटिव होके मिलें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, अच्छे तरीके से मिलें। ये तो थी मेरी थॉट्स जो मैंने आप लोगों से शेयर की। मुझे बताएं आप लोगों को इनमें से कौन सी बात, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और मुझसे आप बिल्कुल हक रखते हैं मुझसे अपनी थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि एक परफेक्ट होम मेकर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे आप अपने घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं। अपना फीडबैक, अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी आपसे लर्न करने का मौका मिले, मैं भी आप लोगों से सीखूं और एक अच्छे से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करूं। जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अल्लाह ताला से अपना रिलेशनशिप, अपना ताल्लुक बहुत मजबूत कर लें। इससे आप एक स्ट्रांग पर्सन बन जाएंगे और यकीन करें कभी भी कोई भी आपको डिस्करेज नहीं कर पाएगा। अगर आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत है तो आप एज अ पर्सन बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपने मेरी यहाँ तक बात सुनी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।